अर्जुन ने देखा, सिर्फ शरीर को नहीं देख रहे हैं, पूरी घटना को समझ रहे हैं, ये क्या हो रहा है। अर्जुन की दृष्टि अपने गुरुजनों और संबंधियों को देख रही है और कृष्ण की दृष्टि अर्जुन की दृष्टि को देख रही है। मुझे तो प्रतीत होता है कि कृष्ण की धड़कनें भी तेज हो गई होंगी। महाभारत के युद्ध से कहीं ज्यादा बड़ी कोई चीज होने जा रही है। गीता में सहस्रों महाभारतें समा जाती हैं, वेदांत का पूरा अमृत समाया हुआ है गीता में, इतनी बड़ी है गीता। अपने अतीत से कैसे बचें? कुछ बातें कभी कभी आ जाती हैं जिनसे हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं, वो बातें तो आती ही रहेंगी अगर खाली जगह देखेंगी। मन ऐसा ही है जैसे ट्रेन का जनरल डिब्बा, सीट अगर घिरी नहीं हुई है तो 5 लोग आकर उस पर बैठने को तैयार है, और जनरल भी कहने की जरूरत नहीं, आरक्षित डब्बे में भी यह हो जाता है, घेर के बैठना पड़ता है ना, नहीं तो कोई भी आएगा और कब्जा कर लेगा, फिर तुम याचना करते रहना, जोर लगाते रहना, समय व्यर्थ करोगे, ऊर्जा व्यर्थ करोगे। मन के पास अगर वो नहीं है जिसके लिए मन की गद्दी आरक्षित होनी चाहिए, तो फिर मन के पास बहुत सारा कूड़ा कचड़ा होगा, कोई भी आकर मन पर कब्जा कर लेगा। कभी देखा होगा ना, जिसकी सीट है वो आया नहीं, फिर क्या होता है? अरे कतार लगी हुई है कि वो हमें मिल जाएगी क्या? जिसकी गद्दी है उसको दो, और उसको बुलाओ कि आपके लिए ही है, आप आइए, आप नहीं होंगे तो दो तरफा नुकसान है। पहला नुकसान तो ये कि आप नहीं होंगे, और दूसरा नुकसान ये कि आपकी जगह बहुत सारे कीड़े मकोड़े होंगे, वो आकर के सारी जगह घेर लेंगे। बात आ रही है समझ में? जब भी कभी किसी सत्कार्य में डूब जाओगे, पाओगे कि अतीत लापता हो गया, न अतीत बचा न भविष्य, पर सही काम में डूबो, तो सही काम में डूबो, ध्यान में डूबो, जीवन में डूबो, आगा पीछा कुछ नहीं सताएगा। और जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे, जैसे जीना चाहिए वैसे जी नहीं रहे, तो फिर तमाम चीजें परेशान करेंगी, यादें भी, उम्मीदें भी, लोगों की बातें, आते जाते मौसम, बदलती परिस्थितियां, हर चीज तैयार रहेगी मन पर कब्जा कर लेने को। समझ रहे हो? जीवन को एक सार्थक दिशा दो, मन को एक समुचित केंद्र दो, खाली कुर्सी पर देखा है धूल कैसे जम जाती है? पवित्र क्या कह रहे हैं आप? प्रेजेंट में कैसे जिए हैं? दाएं बाएं कहाँ जाते हैं आप, पहले तो ये बताइए। वो विचार जो होते हैं वो दाएं बाएं हो जाते हैं। हाँ, वो आप ये तब थोड़ी कहते हैं कि विचार दाएं बाएं जा रहे हैं, आप ही चल देते हैं विचारों के साथ। जाते कहाँ हैं ये बताइए। अभी पास में चले जा
वहां क्या है। अब कोई यहां बैठा है, उससे मेरी बातचीत चल रही है, वो कभी बाहर उधर घूमने जाए और कभी बाहर उधर घूमने जाए, तो मुझे उससे पूछना पड़ेगा ना कि भाई कहां जाते हो, खेल तो सारा यहां चल रहा है, तुम जाते कहां हो, आप बताइए आप जाते कहां है, वहां क्या आकर्षण है। अरे ऐसे थोड़ी, तो उससे पूछिए ना वहां कहां जा रहा है। साधने की बात ही नहीं है, पहले पता तो हो कि जा कहां रहा है। आपका बच्चा है, वो बार बार घर छोड़ करके कहीं को जाता है, तो आप पता नहीं करना चाहेंगे वो कहां को जाता है, कहां को जाता है। कहां जाता है वहां, कहां पास्ट में, कहां पर जाता है, कुछ अच्छे विचारों में चला जाता है, फ्यूचर में कुछ अच्छी चीज अगर ऐसा हो जाए वो जाता रहेगा, क्योंकि उसे वहां दुख से मुक्ति मिलती है, भले ही क्षणिक। समझिएगा, दुख जीवन है आदमी का, दुख से मुक्ति दो तरह की होती है, एक होती है दुख से क्षणिक मुक्ति, उसको कहते हैं सुख, और दूसरी होती है दुख से पूर्ण मुक्ति, उसको कहते हैं आनंद। मन को दुख से मुक्ति तो चाहिए ही चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए। सुख होता है भूत में और भविष्य में, दुख से क्षणिक मुक्ति मिलती है भूत में और भविष्य में, और दुख से वास्तविक मुक्ति मिलती है आनंद में, जो कि होता है वर्तमान में। अब मन छटपटा रहा है, मन सबसे निचली हालत में है, सबसे निचली हालत का नाम है दुख, उससे ऊपर की हालत का नाम है सुख, और सुख कहाँ है, कल्पनाओं में, भूत में, भविष्य में, और सबसे ऊंची हालत का क्या नाम है, आनंद। आनंद कहाँ है, वर्तमान में। जो सबसे निचली हालत में है, अगर उसे सबसे ऊंची हालत नहीं भी मिल रही तो भी वो कहां को चल देगा, जो बीच वाली हालत है, वो कहेगा चलो ऊंचे से ऊंचा कुछ नहीं मिला, कुछ तो मिला, दुख से पूर्ण मुक्ति नहीं मिली पर पल भर की राहत तो मिली, इसलिए मन भागता है। अब अगर आप चाहते हैं कि वो सुख की ओर ना जाए, भूत भविष्य की ओर ना जाए, तो फिर एक ही विकल्प है, क्या, उसे आपको आनंद देना पड़ेगा वर्तमान में। अगर आप उसे वर्तमान में आनंद नहीं देंगे तो वो तो छटपटा रहा है दुख से मुक्ति के लिए, और वो दुख से झूठी मुक्ति खोज लेगा भूत में और भविष्य में। एक ही तरीका है, आनंदित जीवन जिए, और आनंदित जीवन आता है किसी महत सत्ता को समर्पित होकर, उसके बिना कोई आनंद नहीं। आनंद का अर्थ ही होता है स्वयं से मुक्ति। हम अपने ऊपर बहुत बड़ा बोझ होते हैं, और जब वो बोझ हटता है तो मस्ती छा जाती है, उसको कहते हैं आनंद। आप जब अपने से ज्यादा बड़े किसी लक्ष्य को समर्पित हो जाते हैं तो आनंदित हो जाते हैं। आप जब अपनी छोटी छोटी व्यक्तिगत चिंताओं और आशाओं के पार कुछ देख लेते हैं तो आनंद उठता है। मन को वो आनंद दीजिए, नहीं तो वो छोटे मोटे सुख की खातिर इधर उधर भटकता ही रहेगा। वर्तमान को परखिए, कैसा जीवन जी रहे हैं, क्या उसमें कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ा हो, आनंददायी हो। अगर है तो मन नहीं भागेगा, अगर नहीं है तो निश्चित भागेगा। सुबह से शाम 24 घंटे जो कर रहे हैं ना, उस पर दृष्टिपात कीजिए, पूछिए कि इसमें ऐसा है क्या कि मन इसमें लग जाए, रम जाए। छोटा बच्चा घर से भागता हो तो माँ बाप को ये सवाल करना पड़ेगा कि मेरे घर में ऐसा कुछ है क्या कि वो घर में टिका रहे, और घर में अगर
मौज है, मज़ा है, तो घर से क्यों भागेगा? घर की ओर गौर से देखिए। घर माने जीवन। 24 घंटे में अगर आप अपने आप को कुछ ऐसा दे रहे हैं जो उल्लासपूर्ण है, विराट है, तो मन आगे पीछे नहीं भागेगा। और अगर आपका जीवन घिरा हुआ है वही छोटी छोटी बातों से, इसने ये कहा, उसने वो कहा, 2 रुपया 4 रुपया, ये पालूं, ये बचा लूं, क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन बदनाम, दही के दाम, इन्हीं सब बातों से आपका जीवन अगर घिरा हुआ है तो मन तो छटपट आके भागेगा ना, वो कहेगा यही करना है मुझे, क्या आंवले गिन रहे हैं, दही के दाम पूछ रहे हैं। अखबार की छोटी से छोटी खबर ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे दुनिया हिली जा रही हो। व्यर्थ की बातचीत, गॉसिप में संलग्न है, दिन भर शुद्धताओं से ही घिरे रहते हैं। अगर जीवन ऐसा है तो मन तो छटपटा के भागेगा ना, कहेगा ये वर्तमान नहीं चाहिए मुझे, भूत की स्मृतियां प्यारी हैं, मुझे भविष्य की आशाएं प्यारी हैं, ऐसा वर्तमान नहीं चाहिए, घटिया। सुंदर वर्तमान दीजिए अपने आप को तोहफा, फिर मन नहीं भागेगा। वर्तमान पर गौर करिए, उसमें सौंदर्य कितना है, उसे सुंदर करिए। अरुण क्या लिखा है, अरुण अपने मुंह से बोलें। सबसे पहले क्वेश्चन तो मेरा ये है कि एक ही सवाल पूछें, सब कुछ मिला जुला के एक बात, ये सब कुछ जो बताया जा रहा है, जो चल रहा है, चाहे ध्यान की विधि, चाहे कुछ भी, हमने जितना भी अब तक करा, उसकी रियलाइजेशन हमें कैसे, ये क्यों करा जा रहा है, कौन सी स्टेट तक हमें वो बताई जा रही है कि हमें वहीं तक पहुंचना है, और वो पहुंचना कहाँ है हमें वो नहीं समझ आ रहा। तुम्हें खाना खिलाया जा रहा है, उसके बाद बोलोगे कि अब बताओ कि खाना खिलाया क्यों। खाना भी खाओगे और उसके बाद उत्तर भी मांगोगे, भूख मिट गई, क्या यही उत्तर पर्याप्त नहीं है? विचित्र ही होगा कोई आदमी जो खाना खाने के बाद पूछे ये क्या चीज है और ये मुंह से भीतर क्यों डाली जाती है, भूख किसे लगी है, क्या नाम है उसका, अरुण। अरुण खाना खाने के बाद पूछ रहा है कि ये क्या चीज है थाली पर और ये क्यों दी जाती है, अपनी भूख से पूछो ना। ध्यान क्यों है, क्योंकि तुम अशांत हो। भक्ति क्यों है, क्योंकि तुम अशांत हो। सत्संग, अध्ययन, इनकी क्या आवश्यकता है, तुम अशांत हो। और अगर ऐसा हो रहा है कि सारी विधियां आजमा रहे हो और फिर भी तुम्हारी हालत में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो सारी विधियां व्यर्थ हैं, उन्हें त्यागो। तुम्हारे प्रश्न से ऐसा ही लग रहा है कि ये सब जो हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये बात तो वही पूछेगा जिसे लगातार करते रहने के बावजूद कोई लाभ ना हुआ हो। तो ऐसा लग रहा है कि जो कुछ आज तक करते आए हो उससे कोई लाभ हुआ नहीं, बढ़िया है, छोड़ दो। इतना भी अगर पता चल गया कि जो कुछ कर रहा हूं उससे भूख तो मिटती नहीं, तो अच्छा है। ये खाने पीने पर जो ऊर्जा लगाते होगे, पैसा लगाते होगे, समय लगाते होगे, वो बचेगा। आदमी सत्य की तलाश में, आदमी भूख मिटाने के लिए बहुत दौड़ता है, बहुत समय नष्ट करता है, अपने आप को बहुत निवेशित करता है। आदमी अपना पूरा जीवन इसी
कोशिश में गंवा देता है कि किसी तरह शांति मिल जाए। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा हम व्यय किस पर करते हैं? शांति पर ही तो करते हैं। तुम एक एक रुपया जो खर्च कर रहे हो शांति पर ही कर रहे हो, भले परोक्ष रूप से। तुम एक एक पल जो बिता रहे हो, तुम एक एक कदम जो बढ़ा रहे हो, वो किसके लिए है? शांति के लिए ही है। और ये सब कुछ करके भी, करोड़ों कदम बढ़ाकर भी, करोड़ों पल गवा कर भी, अगर शांति नहीं मिल रही तो अर्थ यही है कि जीवन व्यर्थ जा रहा है। जो कुछ अभी तक करते आए हो उसको जरा गौर से देखना, शायद वो सब यूं ही है, व्यर्थ। मोहित जायसवाल, बोलिए, क्या लिखा है? जैसे तो मैं जैसे नौकरी कर रहा हूँ गवर्नमेंट, लेकिन कई बार तो ऐसा ख्याल आता है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो या ऐसा कुछ हो, मतलब ऐसा सपना जाता है, लगता है कि बहुत बड़ा बिजनेस हो या कुछ ऐसा फर्स्ट एड खोल दूँ या बहुत बड़ी चीज़ है, जबकि ग्राउंड में तो मैं ऐसी जगह हूँ कि वहाँ तक पहुँचना तो असंभव ही है। लेकिन एक दूसरी चीज़ और है उसमें कि आध्यात्मिकता भी उसमें इन्वॉल्व, मेरा इंटरेस्ट जैसे मेडिटेशन वगैरह में भी है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि मैं हूँ कहीं और आध्यात्मिकता में है तो फिर बिजनेस, बड़ा बिजनेस तो कैसे कर सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें प्रश्न आपने अभी उत्तर भी दिया था, जिसकी प्रश्न उसमें नहीं कर रहे हैं तो बट तथ्यों से दूर हो। जो मेडिटेशन तुम करते हो उसमें भी नहीं देख रहे कि ज़मीनी हकीकत क्या है, वास्तव में चल क्या रहा है ध्यान के नाम पर। और जो तुम्हारे सपने हैं ज़िंदगी के लिए, उनको भी तुम तथ्यों के तराजू पर नहीं तोल रहे कि मुझे बहुत बड़ा व्यापार खड़ा करना है, अस्पताल खोलना है, उसमें जो 200 करोड़ लगेगा वो लाऊंगा कहाँ से। और ये दोनों बातें बिल्कुल एक हैं, याद रखना। जो धोखा खाएगा वो एक ही जगह धोखा नहीं खाएगा, वो 50 जगह धोखा खाएगा। जो डरेगा वो एक ही जगह नहीं डरेगा, वो कई जगह डरेगा। जो कामुक है वो किसी एक के प्रति कामुक नहीं रहेगा, उसकी वासना तमाम जगह फैलेगी। समझ रहे हो? कोई अगर नशे में है तो क्या सड़क का एक खास गड्ढा ही उसको नहीं दिखाई देगा, या सभी गड्ढों को लेकर के वो बेहोश रहेगा? बोलो, सभी गड्ढों को। इसी तरीके से अभी तुम्हारा हाल चल रहा है। अगर तुम्हारा ध्यान सच्चा होता तो उसने तो तुम्हें सत्य में स्थापित कर दिया होता, वहां कहां फिर व्यर्थ कल्पना पसरती। पर तथ्यों को तुम कहीं भी नहीं देख रहे, न अपने ध्यान के क्षेत्र में और न अपने व्यापार के क्षेत्र में। जिंदगी के प्रति ईमानदार हो जाओ, तथ्यों में जीना सीखो। पूछो अपने आप से कि ये जो ध्यान है ये सार्थक है क्या मेरे लिए? अध्यात्म रुचि नहीं होता, मेडिटेशन इंटरेस्ट नहीं होता, वो जीवन का केंद्र होता है। कोई ये कहे कि मेरी अध्यात्म में जरा रुचि है तो ऐसे ही बात कर रहा है कि कोई बोले कि भैया एक पैकेट चिप्स देना, ये कोई स्वाद रुचि जायके की बात थोड़ी होती है। अध्यात्म तलवार होता है जिससे अपने ही गला काटा जाता है, ये चिप्स चबाने की बात नहीं हो रही यहां पर। मनोरंजन थोड़े ही है, मनोरंजन में रुचि होती है। मन को जो दिशा भाए वो उसको रुचिकर लगती है,
और मन की सारी दिशाओं को व्यर्थ जान लेना ध्यान है। तो ध्यान रुचि कैसे हो सकता है? आगे बढ़ने की मत सोचो, अभी तो अपने आप से ये पूछो कि जैसा मेरा जीवन चल रहा है उसका क्या हाल है। बहुत ईमानदारी से, पूरी सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी को देखो, कैसा बीतता है दिन, किनसे मिलते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, दिन भर अनुभव क्या होता रहता है। आगे की बात बाद में, पहले अभी की बात। इतना करो फिर बहुत रास्ते खुलेंगे। जो संभावनाएं अभी तुम्हें पता भी नहीं चल रही वो सामने आ जाएंगी, पर जब तक तुम कल्पनाओं से घिरे हो तब तक वास्तविक संभावनाएं तुम्हारे सामने नहीं आएंगी। ठीक है।